ये जो हम कहते हैं ना नहीं होगी, ये बिल्कुल हमारा हाल वो मिरासी वाला है जिसको भी बड़ी मार पड़ी थी ना, और कपड़े झाड़ते हुए उसने कहा था फिर मैं ना ही समझा। तो भाई कितनी बार में, और ये बात समझने के लिए पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हमारे साथ हो गया, वो जो बेचारी जमहूरियत रजिया है गुंडों में फंसी हुई है, और कभी वो खेतों में भागती फिरती है, कभी कहीं छुपती फिरती है, तो अभी भी हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई हमें अब इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। बजाहिर कुछ चेहरे जमहूरी हमने सामने रख लिए हैं, लेकिन मामला कुछ और है। अब अदालतों में जो अभी सलमान आबिद की बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, वैसे तो मेरी इतनी जरूरत नहीं है, मैंने लाहौर में भी फिरना है, लेकिन ये कहना कि अदलिया में हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई है, लड़ाई नहीं है। लड़ाई किस चीज की है? अदलिया अगर इंसाफ के मुताबिक कोई डिसीजन लेती है, वो बात करती है, तो वो लड़ाई तो नहीं है। हाँ आप ये कर देंगे जी हमने अदलिया के फैसले नहीं मानने, और जो जज हमारे मर्जी के खिलाफ करेगा हम उसे बिजली का बिल ज्यादा भेज देंगे। तो ये दुनिया में मैंने नई टेक्निक सीखी है तकलीफ और अजियत पहुंचाने की, क्या बिजली का बिल ज्यादा कर दें उसका, आप ही भावा करता फिरेगा। तो आप ये अगर समझे कि जी हुकूमत भी लड़ाई का हिस्सा है, तो हुकूमत है कहाँ पे बेचारी? वो बस वो ही है, वो जो हाथी का बनियान गुम हो गया था तो चूहा छुपता फिरता था, तो किसी ने कहा तू क्यों छुप रहा है, साढ़े ते भी शाके के कहते असी छुप लिया। तो भाई इनकी औकात क्या हुकूमत की गई, ये किसी लड़ाई का हिस्सा हूं नहीं कि पर लड़ाई नहीं कहीं नहीं हुकूमत और हुकूमत की? अगर इसका हिस्सा नहीं है तो आप ये बता रहे हैं हमें, जो कि पहले भी खैर बहुत से लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन आपके जुबानी सुनकर हमें अच्छा लगेगा कि ये पंजाब पुलिस और दीगर और इस तरह से सूबों में पुलिस अगर कहीं पर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करती है, जिस तरह अभी आलिया हमजा सनम जावेद की बात हो रही थी कि नई से नई एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है वो साथ में मचलके लगाकर, तो क्या ये हुकूमत नहीं करवा रही है? क्योंकि पुलिस तो हुकूमत के ताबे है ना। यार फिर तुम्हें चेयरमैन पीसीबी और साथ क्या नाम है वजीर दाखला क्यों नहीं बना देते भाई? अगर आप कोई सर्विस देते हैं, खिदमत करते हैं, तो उसका फिर आपको बदला भी मिलता है। आप सरफराज मुफ्ती बन जाते हैं, आप प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अनवारुल्लाह काकड़ बन जाते हैं, आप फैसल वावड़ा बन जाते हैं, तो आपको नहीं समझ आ रही कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक सेनेटर आजाद मुंतखब हुआ जिसे तमाम सियासी जमातों ने वोट दिया, और उसे गुस्सा इस बात का कि अदालतों ने उसे प्रॉक्सी कहा, और वो कोई उससे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी ऐसी क्या खिदमात थी जो पीपल्स पार्टी नून लीग सबने तुम्हें वोट देके सेनेटर बना दिया। तो मैं मतलब महफूज तरीके से तो यही कह सकता हूँ कि भाई बात ये कि हमें ये एतराफ कर लेना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा वो मिरासी के की तरह मार खा के कपड़े झाड़ते हुए बार बार नहीं पूछना चाहिए कि फिर ऐसी ना समझे, ना है सिस्टम की तरफ से मुकम्मल ना है। जी ये अदालतें जो मर्जी फैसले करें, 54 दिन हो गए मुसलसल रिमांड के सनम जावेद के, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खातून के साथ इस तरह हो रहा हो। तो क्या हम अंधे हैं? हमें नहीं नजर आ रहा कि भाई सिस्टम जो कह रहा है हम वो सुनना या सुन ले